अमेरिका में बन रही बाबा साहेब की सबसे बड़ी मूर्ति। व्हाइट हाउस से चंद मील दूर स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का जलवा। हैदराबाद में डॉक्टर अंबेडकर की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति तो आप सबने देखी ही होगी, लेकिन अब हूबहू ऐसी ही मूर्ति दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में भी स्थापित होने जा रही है। जी हां, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के पास बाबा साहेब की शान में इतिहास रचा जा रहा है। अमेरिका में डॉक्टर अंबेडकर की अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण आने वाली 14 अक्टूबर को होने जा रहा है। बाबा साहेब की मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी यानी समानता का प्रतीक नाम दिया गया है। ये मूर्ति हैदराबाद में लगाई गई डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का ही छोटा वर्जन है और इसकी ऊंचाई 12 फीट है। अमेरिका में बाबा साहेब की ये सबसे बड़ी मूर्ति होगी जो अमेरिका के हर शख्स को मानवता के सबसे बड़े पैरोकार बाबा साहेब की याद दिलाएगी। दरअसल वॉशिंगटन डीसी के पास ही मैरीलैंड में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल बन रहा है। इसी भव्य मेमोरियल में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की जाएगी। दुनिया भर के अंबेडकरवादी सेंटर को बनाने में मदद कर रहे हैं। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के बैनर तले ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। 14 अक्टूबर को दुनिया भर के अंबेडकरवादी यहां जुटेंगे और अपने मसीहा को याद करेंगे। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर एक शानदार प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ बाबा साहेब का स्टैचू ही नहीं बल्कि तथागत बुद्ध की मूर्ति, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यानी अशोक स्तंभ, बुद्धा गार्डन, सेंटर ऑफ नॉलेज और नालंदा लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं भी यहां विकसित की जाएंगी। इस प्रोजेक्ट पर करीब 12.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। AIC ने यहां 2013 में 13 एकड़ जमीन खरीदी थी जिस पर यह स्मारक बनाया जा रहा है। यहीं पर अब बाबा साहेब का स्टैचू स्थापित किया जाएगा। खास बात यह भी है कि इस मूर्ति को प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है। बाबा साहेब की मूर्ति बनाने का काम मशहूर मूर्तिकार राम सुतार और उनके बेटे अनिल सुतार ने किया है। राम सुतार दुनिया भर में अपने काम के लिए मशहूर हैं। उन्होंने सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन भी तैयार किया था। इसके अलावा नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल में लगी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम, बहन कुमारी मायावती और अन्य महानायकों की मूर्तियों को भी राम सुतार ने ही बनाया था। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में लगी मूर्तियां भी राम सुतार ने ही तैयार की थी। हैदराबाद में लगी डॉक्टर अंबेडकर की भव्य विराट मूर्ति को भी राम सुतार ने ही बनाया था और इस स्टैचू को भी उन्होंने ही बनाया है। अब ये स्टैचू सीधा अमेरिका में स्थापित किया जाएगा, यानी ये स्टैचू हैदराबाद में लगे बाबा साहेब के सबसे बड़े स्टैचू का ही रेप्लिका है। दुनिया के सबसे आइकॉनिक पोज को देखकर दुनिया के लोग न सिर्फ बाबा साहेब को जानेंगे बल्कि उनके विचारों से भी अवगत होंगे। ग्लोबल अंबेडकराइट कम्युनिटी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हम सबको गर्व करना चाहिए और अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर टीम के सभी साथियों का हौसला बढ़ाना चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।